आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेस्टी मगर आसान मिठाई। और यकीन मानिए इतनी आसान है कि पहली बार में ही आप इसे परफेक्ट बना लेंगे और रेसिपी बिगड़ने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप के बराबर सफेद तिल, जो वजन से देखेंगे तो लगभग 125 ग्राम है। इसको हमें एक पैन में डाल के 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम लो से मीडियम की तरफ ही रखना है और इन तिलों को हमको लगातार चलाते जाना है, नहीं तो ये तिल जल जाएंगे और आपकी मिठाई जो है कड़वी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तिल ने अपना हल्का सा कलर चेंज कर दिया है और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस हमको इसको इतना ही भूनना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब तिल ठंडे हो गए तो हमने थोड़ा सा पोर्शन साइड में करके बाकी के तिल को जो है मिक्सी के जार में डाल के पल्स मोड पे इसका ऐसा दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेना है। ध्यान रखिएगा तिल को बहुत ज्यादा देर मिक्सी में नहीं चलाइएगा, नहीं तो तिल का ऑयल रिलीज हो जाएगा और ये लड्डू हमें बनाने में थोड़ा मुश्किल पड़ेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप के बराबर वो जो गुड़ वाली शक्कर आती है ना, जिसे हम लोग खांड कहते हैं वो। अगर आपके पास ये ना अवेलेबल हो तो आप गुड़ को बारीक बारीक कूट लें और इसमें डाल दें। अब हमने इसमें ऐड किया 1 छोटा चम्मच के बराबर इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2-3 इलायचियों को कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इसमें डाला 1 छोटा चम्मच के बराबर देसी घी और अब इन सभी चीजों को हमें मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। अब आप देखिए जब मिक्सी में हमने पीस लिया तो ये सब चीजें एकदम जुड़ गई हैं आपस में। अब एक बोल में वो जो बचे हुए तिल रखे थे ना वो डालने हैं और ये जो मिक्सर में पीसा है इसको भी हमें बोल में ट्रांसफर कर देना है। अब एक पैन में बस थोड़ा सा देसी घी डाल करके हमें 8-10 काजू और थोड़े से बादाम डाल के इसको हल्का सा भून लेना है, जिससे कि इसमें क्रंच आ जाए। जब ये काजू और बादाम भून गए तब हमने इसमें ऐड की थोड़ी सी किशमिश और गैस का फ्लेम बंद कर दिया, क्योंकि घी गर्म होगा किशमिश उसमें आराम से भुन जाएगी। ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इन किशमिश को हमने डाला अपने इस कटोरे में जिसमें हमने तिल और गुड़ को पीस करके रखा था और इन ड्राई फ्रूट्स को हम कलर में डाल के हल्का सा कूट लेते हैं। आप चाहें तो आप इसे काट के भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीजों को हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो इस स्टेज पे आप इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अब इनको हमें हाथ में लेकर के लड्डू के जैसा शेप दे देना है। ये देखिए बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं। और अगर आपसे एक हाथ से लड्डू ना बन पाए तो आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए और इस तरीके से गोल करते करते आप लड्डुओं को शेप दे लीजिए। 1 कप तेल में आपके लगभग 8 लड्डू बनकर के तैयार होंगे नॉर्मल साइज के। तो अब करते हैं इनकी प्लेटिंग। लीजिए हमारे बिल्कुल आसान और हेल्दी लड्डू बनकर के तैयार हैं, वो भी इतनी जल्दी और इतने आसान तरीके से। ना आपको चाशनी बनाने की जरूरत है, ना चाशनी के तार चेक करने की जरूरत है। तो है ना आसान रेसिपी, तो मेरी ये आसान सी रेसिपी अगर आपको बना के पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक गुड बाय।